Good morning and good day to all the viewers. All the aspirants of Assistant Director, Evaluation and Statistics Planning and Monitoring Department. मैं दो दिन से पिछले दो दिन मैंने अपने इकोनॉमी के ऊपर इकोनॉमिक्स के ऊपर इकोनॉमिक्स जनरल इकोनॉमिक्स के ऊपर दो डेमो क्लासेस दी. बच्चों के बहुत कॉल्स आई हैं, फ़ोन आए हैं. दे हैव अप्रिशिएटेड, क्योंकि हम लोगों का एक अपना तजर्बा है पढ़ने पढ़ाने का. और मैंने कल बच्चों से, जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के एस्पायरेंट्स हैं, उनसे मैंने वादा किया था. हमारे जो दूसरे साथी हैं, श्री बलविंदर जी, बलविंदर राजपूत, जो एक बहुत माने हुए हस्ती हैं जे एंड के में ऑन द जनरल नॉलेज जनरल स्टडीज़, ये आज आपसे बात करेंगे कि कैसे डिस्क्रिप्टिव या वन लाइनर क्वेश्चन जो भी इन्होंने बताना है आज आपको, हिस्ट्री और पॉलिटी के. इवन इन्होंने ये भी बताया कि पुराने पेपरों में विद रेफरेंस टू जे एंड के हिस्ट्री, जे एंड के टूरिज़्म, जे एंड के ज्योग्राफी, ये भी आपके पेपर में आया है. तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊँ कि आपको विद रेफरेंस टू जे एंड के करना है, जो आज बलविंदर जी आपको बताएंगे कि कैसे आपके जो डिस्क्रिप्टिव टाइप और वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उनको कैसे आपको सॉल्व करना है. तो आज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर क्या आप अकेले पढ़ाओगे, आई सेड नो, ये मेरा अकेले का काम नहीं होता है. अगर कोई वादा कर रहा है आपसे कि वो अकेला पढ़ाएगा तो मैं उसको सल्यूट करता हूँ. ये ऐसे नहीं होता, ये टीम है. और हमारी तो बड़ी मंजी हुई टीम है. बलविंदर के कई पढ़े हुए बच्चे आज KPS KS बने हुए हैं, कई और डिफरेंट जॉब्स में एंटर किए हुए हैं. तो मैं बलविंदर जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आज AD के एस्पायरेंट्स को बताएं कि कैसे जनरल नॉलेज हिस्ट्री पॉलिटी विद रेफरेंस टू J&K क्या क्या क्वेश्चन आएंगे और उनको कैसे सॉल्व करना है. थैंक यू सर. सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल इन अवर पाइनर्स अकेडमी. जैसे कि सर ने बताया कि हमने एक और न्यू कोर्स जो है लॉन्च किया है अपनी एकेडमी में, विच इज़ रिलेटेड टू JKPSC असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग प्लानिंग एंड डेवलपमेंट J&K, जो न्यू पोस्ट्स अभी आई हैं. फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. सर ने तो ऑलरेडी आपको उसका प्रोसेस थोड़ा बताया है. नाउ टुडे आई विल डिस्कस कि किस तरह से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए इस एग्ज़ाम की तरफ और किस तरह से एक पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का. इस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें असिस्टेंट प्लानिंग डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की, इसमें कंप्लीट जो है 600 मार्क्स का ये जो एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके सिक्स एग्ज़ाम होंगे. फोर जो होंगे वो होंगे कंपल्सरी पेपर्स. कितने होंगे? फोर पेपर्स. एंड रिमेनिंग टू जो रहेंगे आपके वो रहेंगे ऑप्शनल. और हर पेपर का जो ईच पेपर जो मार्क्स रहेगा दैट विल 100 मार्क्स. तो कंपल्सरी पेपर्स में एक पेपर है GS आपका जनरल इंग्लिश का, एक पेपर आपका जनरल स्टडीज का GS विद रिस्पेक्ट टू J&K, एक पेपर रहेगा आपका जनरल इकोनॉमिक्स के ऊपर और एक रहेगा थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर. नाउ टुडे आई विल डिस्कस पेपर टू जी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में से जो एक पेपर है दैट इज जनरल नॉलेज. दिस पेपर कंटेन्स 100 मार्क्स. ये जो आपका GS का पेपर होगा, कंपलसरी पेपर 100 मार्क्स का पेपर होगा. फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर पैटर्न्स के बेस पे जो PSC ने अभी तक जो एग्जाम कंडक्ट करवाया है असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का, GS पेपर के उन्होंने टू पार्ट्स में जो है इसको डिवाइड किया हुआ है. GS पेपर आपका जो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पैटर्न
टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट आपका रहेगा पार्ट वन एंड अनदर इज पार्ट टू। पार्ट वन अगर पार्ट टू की बात करें, जो आपका पार्ट वन रहेगा दैट विल रिमेन डिस्क्रिप्टिव, ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स जो 10 मार्क्स के होंगे, शॉर्ट आंसर्स 5 मार्क्स के होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर्स 3 मार्क्स के होंगे, जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे आपके पार्ट ए में। तो पार्ट जो उसका पार्ट सेकंड होगा इसका, इसमें टोटल होंगे आपके 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस होंगे। और ये जो 20 क्वेश्चंस होंगे ये ऑब्जेक्टिव बेस होंगे, नॉट सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बेस क्वेश्चन होंगे ये जो 20 क्वेश्चंस होंगे, जो कि रीजनिंग बेस्ड होंगे, मैथ्स बेस्ड होंगे, जनरल नॉलेज बेस पे होंगे। वन वर्ड आंसर आपने देना है इसमें, वन लाइन ऑब्जेक्टिव दिए होंगे आपको। और इसका जो मार्क्स रहेगा हर क्वेश्चन का 1.5 मार्क्स। नाउ अगर मैं पार्ट वन फर्स्ट आई विल डिस्कस पार्ट वन ऑफ जीएस पेपर, अगर मैं जीएस पेपर की पार्ट वन की बात करूं तो पार्ट वन में सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 6 क्वेश्चंस होंगे। हाउ मच यू, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 6 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपने आउट ऑफ 6 3 क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट करने हैं। दैट मींस इन द फर्स्ट क्वेश्चन you have to attempt 3 questions। यहां पे चॉइस होती है काफी डिस्क्रिप्टिव में, 3 questions आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 6। दैट मीन 6 questions आपको दिए गए होंगे और 6 में से आपने 3 एनी 3 questions जो है आपने अटेम्प्ट करने हैं। ये जो 3 questions हैं ये आपको हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, J&K, इन सब के टॉपिक्स, करंट इंटरनेशनल रिलेशंस लाइक दैट, इन सब के ऊपर जो है ये बेस्ड होंगे। तो आपको इसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये है जो फर्स्ट क्वेश्चन, आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका रहेगा लॉन्ग आंसर। जो आपने 3 क्वेश्चन करने हैं ये आपके लॉन्ग आंसर में आएंगे और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। दैट मींस जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा जीएस में 10 मार्क्स का रहेगा, दैट मींस टोटल 30 मार्क्स। मैं थोड़ा आपको एग्जांपल दूंगा प्रीवियस ईयर बेसिस के पेपर पे, जैसे मे बी यहां पे आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है लाइक डिस्कस द फीचर, लाइक यू कैन से आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग आंसर, लाइक डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से आपको लॉन्ग आंसर होंगे, ये होगा 10 मार्क्स का। वन इंपॉर्टेंट थिंग, आपको वहां पे प्रीवियस पेपर्स पे मेंशन नहीं है कि कितने वर्ड्स में आपने आंसर लिखना है, बट यूजुअली जो हमारा JKPSC का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, उसका जो मेंस कंडक्ट किया जाता है, एक माइंड फ्रेम आपके माइंड में होना चाहिए कि हमें कितने वर्ड्स में लिखना है। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को लिखने शुरू है और उसको लिखते चले गए, और भी पेपर है, लेंथी पेपर रहता है, ठीक है। 3 आवर्स का टाइम आपके पास रहेगा इस पेपर को
अटैम्प्ट करने के लिए यूजुअली जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए रहता है 3 आवर्स का डिस्क्रिप्ट पेपर, तो इसमें आपको 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो रहेगा, तो यूजुअली जो पीएससी की जो वर्ड लिमिट रहती है इन केस ऑफ सिविल सर्विसेज, जेके पीएससी सिविल सर्विस जो एग्जाम होता है उसमें जो इसकी वर्ड लिमिट रहती है यूजुअली दैट इज ऑफ 150 वर्ड्स, मतलब 150 वर्ड्स तक जो आपका आंसर होना चाहिए फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चन, 5-10 ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, नो इश्यू। तो इस तरह से आपको लॉन्ग आंसर्स आएंगे, दैट मीन्स 6, इस तरह से आपको 6 लॉन्ग आंसर्स दिए गए होंगे, उन 6 में से आपने 3 चूज करने हैं। जैसे डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो लॉन्ग आंसर में आपका जो पैटर्न रहेगा वो किस तरह से रहेगा, तो सबसे पहले आप इंट्रो से शुरू, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करोगे, इंट्रो देन बॉडी देन कंक्लूजन। तो इंट्रो में आपने क्या बताना है, यहां पे आप क्या इंट्रो बता सकते हैं, क्वेश्चन में ही इंट्रो होती है, जैसे डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मींस एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है फीचर्स किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहां पे हम बताएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा 1-2 लाइन में हम डिफाइन करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रो में हम क्या देंगे, लाइक डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दिस इज अ सुप्रीम लॉ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, अप्रोच रहेगी हमारी, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करेंगे, देन बॉडी में हम फीचर्स, यहां पे हम क्या करेंगे डिफाइन, जो जिस चीज के बारे में हमसे पूछा जा रहा है उसको थोड़ा सा हम बताएंगे, कि वो कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो इंग्लिश, चाहे वो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो भी उसका मतलब जिस चीज के बारे में हमें पूछा जा रहा है उसके बारे में 1-2 लॉन्ग आंसर में हमने 1-2 वर्ड में 1-2 लाइन में हमने उसकी इंट्रो देनी है। देन आफ्टर द इंट्रो हम सीधे आ जाएंगे उसकी बॉडी पे, जो मेन चीज हमसे पूछी गई बॉडी में हम क्या चीज मेंशन करेंगे, क्या पूछा गया हमसे, फीचर्स, तो फीचर्स में हम इसका बताएंगे कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो है जो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने बॉडी में तो बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, सुप्रीम लॉ बुक कंटेन की जाती है, गवर्निंग और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्न करता है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज को, गवर्नमेंट को, पीपल्स को, तो बॉडी में हम क्या बताएंगे इसके फीचर्स में, देर आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज वी नो, बिकॉज इसमें मोर देन 400 आर्टिकल्स है, ओके 12 शेड्यूल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, दिस इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, देन मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बारोड लाइक दिस, हम इसमें बताएंगे कि मोस्टली हमारे बारोड फीचर्स हैं, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने ब्रिटेन से किया है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा प्रीएम्बल है, ये हमने US से किया हुआ है, इसी तरह हमने और भी कुछ काफ़ी सारी कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट कंट्रीज से कुछ ना कुछ जो है बारो किए हुए हैं, तो बारोड फीचर्स, लेंथीएस्ट, देर इज अ प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच इज मैंशन इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देर इज अ प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो इस तरह से हमने जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो भी फीचर्स हैं हमने सब इसमें बताएंगे और लास्ट में हम जो है इसको कंक्लूड कर देंगे, ओके तो इस तरह से आपकी जो है अप्रोच रहेगी लॉन्ग आंसर टाइप्स में। मैं आपको फिर से बताऊं कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपको जो होंगे वो टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, आउट ऑफ 6 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स एंड जो आपकी वर्ड लिमिट रहनी चाहिए दैट विल रिमेन अप टू 150 वर्ड्स 150, 160 और कम होगा तो चलेगा, बट इतना माइंड में एक फ्रेम रखना है कि 150 वर्ड्स का आपने लिखना है आंसर। इसी तरह इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, देन
क्वेश्चन नंबर टू में आपका जो क्वेश्चन नंबर टू रहेगा इसमें दैट विल रिमेन हियर यू हैव टू अटेम्प्ट अगेन थ्री क्वेश्चंस आउट ऑफ एट. यहां आपको एट क्वेश्चंस दिए होंगे और इन एट क्वेश्चंस में से आपको जो है टोटल थ्री क्वेश्चंस जो है आपने अटेम्प्ट करने होंगे. सॉरी यहां पे आपको एट क्वेश्चंस है फाइव क्वेश्चंस नॉट थ्री. जो क्वेश्चन वन जिसमें सिक्स क्वेश्चंस होंगे लॉन्ग आंसर उसमें से आपको थ्री क्वेश्चंस करने हैं. देन आपको सेकंड क्वेश्चन आएगा सेकंड क्वेश्चन जो होगा उसके होंगे टोटल एट क्वेश्चंस और उन एट क्वेश्चंस में से आपने फाइव क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने हैं. कितने अटेम्प्ट करने हैं? फाइव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज फाइव मार्क्स. हियर ईच क्वेश्चन कैरी फाइव मार्क्स. जो क्वेश्चन टू होगा आपका आउट ऑफ एट यू हैव टू अटेम्प्ट फाइव और फाइव ईच क्वेश्चन फाइव दैट मीन्स टोटल 25 मार्क्स. तो अब इसमें आपकी वर्ड लिमिट क्या रहनी चाहिए? अगर हम 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन को 150 वर्ड्स में पीएससी का जो रूल रहता है 150 वर्ड्स में तो दैट मींस इसमें आपकी जो वर्ड लिमिट रहनी चाहिए 72 75 वर्ड्स. लाइक मैं जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ इसमें शॉर्ट आंसर में. जैसे यहाँ पे भी आपको ज्योग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, जेएनके, ज्योग्राफी के रिलेटेड. व्हाई इज इंडिया कॉल्ड एज सब कॉन्टिनेंट? इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? फाइव मार्क्स का रहेगा और रेंज आपकी 72 to 75 वर्ड्स रहनी चाहिए. अब आपको मालूम है आपको इंडिया सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? बहुत सारे वर्ड्स होंगे हर एक शॉर्ट आंसर के लिए बट आपको इसको लिमिटेड वर्ड्स में ही कवर करना है. तो सिंपली आपने बताना है कि सबसे पहले कि भाई सब कॉन्टिनेंट क्या होती है. सब कॉन्टिनेंट वो पार्ट ऑफ द उस कॉन्टिनेंट को कहते हैं जो ना ही फुली कॉन्टिनेंट होता है ना ही फुली आइलैंड होता है. दिस इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट. व्हाई इंडिया इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट जो है दैट इज द लैंड मास. चारों तरफ हिमालय है. नॉर्दर्न हिमालयन रेंज है इंडिया के नॉर्दर्न पोर्शन में. और जो हमारा अगर हम साउदर्न पोर्शन ऑफ इंडिया की बात करें ठीक है तो यहां पे इंडियन ओशियन है, यहां पे बे ऑफ बंगाल रहता है और यहाँ पे अरेबियन सी रहता है. दैट मीन्स जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है दैट इज कवर्ड बाय थ्री पार्ट्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज ठीक है. तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? आइलैंड. एंड द अदर पोर्शन दैट मीन्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वो लैंड मास कवर्ड है, ज़्यादातर हिमालयन रेंजेस हैं उसमें. और जो साउदर्न इंडिया है, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है दैट इज कवर्ड बाय वाटर बॉडीज फ्रॉम द थ्री साइड्स. साउथ से कहाँ? फ्रॉम साउथ इट इज कवर्ड बाय इंडियन ओशियन, फ्रॉम साउथ ईस्ट बाय बे ऑफ बंगाल एंड फ्रॉम साउथ वेस्ट बाय अरेबियन सी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका इस तरह के जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन टू में आपको रहेंगे जो क्वेश्चंस रहेंगे आपको शॉर्ट आंसर टाइप में फाइव मार्क्स का. इसी के साथ में अब मैं डिस्कस करूंगा आपका पार्ट टू.
इसमें आपको सॉरी पार्ट वन में आपको 5 के बाद में 3 मार्क्स क्वेश्चन भी आएंगे, और जो 3 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा आपका वो भी सेम आउट ऑफ 8 यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, आउट ऑफ 8 यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, दैट मीन्स 15 मार्क्स, एक लॉन्ग होगा 30, ऊपर लॉन्ग जो क्वेश्चन नंबर वन होगा जिसमें आपने 3 क्वेश्चन करने हैं 30 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, देन क्वेश्चन नंबर टू जिसमें 8 क्वेश्चन होंगे आपको 5 करने हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, दैट इज 25 मार्क्स, देन क्वेश्चन नंबर 3 जिसके भी 8 सब पार्ट्स होंगे उसमें से आपको 3 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे जो ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, दैट इज 15 मार्क्स, और जो 3 मार्क्स का है उसकी आपकी वर्ड लिमिट यही रहनी चाहिए 40-50 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट, ओके। नाउ आफ्टर दैट वी कम टूवर्ड्स द पार्ट सेकेंड, पार्ट सेकेंड की अगर हम बात करें जीएस पेपर की, मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया कि इस पोर्शन में कंप्लीटली जो होंगे यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल 20 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ऑल 20 क्वेश्चंस। यहां आपने सभी 20 क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है, और ये जो 20 क्वेश्चंस आपके रहेंगे हर क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा दैट इज 1.5 मार्क्स, मतलब डेढ़ नंबर का ये जो क्वेश्चन रहेगा, तो 20 क्वेश्चंस जो रहेंगे 1 मार्क, जिसमें आपकी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, 8-9 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, मेंटल एबिलिटी मैथ बेसिस पे होंगे, जीएस बेस पे होंगे, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन जैसे इस पे पूछा गया है दैट हु वाज द फर्स्ट राइटर टू बी अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड, फर्स्ट राइटर कौन था, फर्स्ट राइटर हु गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, यहां पे डायरेक्ट पूछा है, यहां पे कोई आपको नीचे वो नहीं होगा, ऑप्शंस नहीं होंगे, आपको इसको आंसर देना है, अगर आता तो ओके, नहीं आता तो लीव इट, बट जो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे या मैथ्स के क्वेश्चन होंगे उनमें आपको ऑप्शंस दिए होंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे और कुछ में ऑप्शंस नहीं दिए होंगे, यूजुअली जो जीएस का पोर्शन होगा करंट का या आपका थोड़ा हिस्टोरिकल डेट्स के ऊपर हो सकता है कि उसमें आपको कोई भी ऑप्शन ना दिया हो, बट जो आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे या मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें आपको जो है ऑप्शंस दिए गए होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से जीएस का ये था आपका ओवरव्यू जीएस पेपर का, आई विल डिस्कस इन शॉर्ट वंस अगेन कि आपका ये जो जीएस का पेपर है इसमें क्या रहते हैं, 2 पार्ट्स रहेंगे, इसको 2 पार्ट्स में जो है सेग्रीगेट किया गया है जो प्रीवियस ईयर पैटर्न के बेसिस पे, तो फर्स्ट पार्ट में जो रहेगा आपका वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा जिसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे, फर्स्ट पोर्शन जो रहेगा उस वो लॉन्ग आंसर रहेगा 10 मार्क्स का जिसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 में से आपको 3 करने हैं, देन सेकेंड क्वेश्चन जिसमें आपके 8 क्वेश्चन हैं उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं जो 5 मार्क्स का होगा, देन थर्ड क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन होगा जो जिस वो भी 8 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको 5 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, देन पार्ट टू में आपका जो है ये आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव बेस, 1 वर्ड आंसर आपको देना है इसमें, ओके। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस आपके जो रहेंगे और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा दैट इज 1.5 मार्क्स। सो दिस वॉज द टूडेज ओवरव्यू, थैंक यू वेरी मच।